Hey guys, thank you so much for joining me today. I am Rahul Rawat and I'm a sketch artist. So thank you so much for joining me today. So आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपना एक हैक जो कि आपके बहुत काम आएगा, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा काम आएगा शेडिंग में। अगर आप स्मूथ शेडिंग नहीं कर पाते हो तो ये आपके डेफिनेटली बहुत काम की चीज़ हो सकती है। लाइक मैं इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से और मेरे वह बहुत ज़्यादा काम आया है। सो आई होप आप लोगों के भी आएगा। सो आई एम शेयरिंग दिस ऐप विद यू। सो यार हैक कुछ ऐसा है, एक दिन नॉर्मली मैं अपने पेपर स्टम्प्स को यूज़ कर रहा था स्केचिंग में और मेरे साथ हुआ क्या कि मेरे टेबल पर गिर गया पानी और पानी गिरने के बाद यार मेरा जो स्टम्प है वो इतना ज़्यादा सुखड़ सा गया और ये आज भी अगर आप उसको देख पाओ तो बहुत ज़्यादा गिलगिला सा हो गया था, बहुत ज़्यादा सुखड़ सा गया था और जिसकी वजह से मैंने सोच लिया था कि मैं इसको फेंक ही दूँगा ऑलमोस्ट, लेकिन मैंने इसे यूटिलाइज़ किया और मैंने सोचा कि लेट्स यूज़ दिस। और जब मैंने यूज़ किया ना तो यार देखो नॉर्मल पेपर स्टम्प कुछ इस तरीके का दिखता है और जो ये वाला पेपर स्टम्प है इसको आप देख सकते हो कि इसके एजेस कैसे हैं, इसको आप देख सकते हो कि इसके टिप्स कैसे हैं, दोनों के दोनों इसके टिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं पानी गिरने की वजह से। सो अगर आप लोगों के पास पेपर स्टम्प्स नहीं है तो सबसे पहले तो यार जाके बाय करो और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेपर स्टम्प्स है तो आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ कर सकते हो। ये तो एक बीच का पेपर स्टम्प है, ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा। अगर आप ये ट्रिक ट्राई करना चाहते हो तो सिंपली आप बस इसको पानी में डाल सकते हो और 2 या 3 सेकेंड पानी में रखने के बाद जब आप इसे निकालोगे ना और फिर इसे आप सुखाने रख देना, फिर नेक्स्ट डे जब आप इसको देखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा गिलगिला सा हो चुका होगा और इसके ऊपर की लेयर को तो आप जैसे आप यूज़ करोगे किसी भी सैंड पेपर पे, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, अगर आप इसे सैंड पेपर पे क्लीन करोगे ना तो ये बहुत आसानी से क्लीन भी हो जाएगा। और मेक श्योर कि आप जब इसको पानी में डुबा रहे हो तो आप ज़्यादा देर के लिए ना दबाओ, 3 से 4 सेकंड के लिए आप इसको डुबा सकते हो पानी में और फिर निकाल के इसे सूखने रख देना और जब ये सूखेगा ना तो ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। और फिर आप इसकी जो ये एजेस देख रहे हो आप कैसे फ्लैट से हो चुके हैं, इन एजेस से जब आप ब्लेंडिंग करोगे ना तब आपको फील होगा कि यार कितनी ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग हो पाती है और इतनी स्मूथ ब्लेंडिंग आप इससे नहीं कर सकते। अभी मैं आपको स्ट्रेट अपने टेबल पर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाऊँगा किस तरीके से इस पेपर स्टम्प में और इस पेपर स्टम्प की ब्लेंडिंग में फ़र्क आता है। सो ये है हमारे पास पेपर जिसमें मैं अभी शेडिंग कर लेता हूँ। शेडिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ बेस लेयर की पेंसिल। सो लेट्स शेड। बिल्कुल भी प्रेशर का अप्लाई मैं नहीं कर रहा। सो शेडिंग हमने यहाँ पे कर लिया है जैसे आप देख ही सकते हो। सो अब एक को मैं ब्लेंड करूँगा इससे जो कि नॉर्मल पेपर स्टम्प है और एक को मैं ब्लेंड करूँगा इस वाले पेपर स्टम्प से। सो उससे पहले से क्लीन कर लेते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसे क्लीन कर लिया है। सो पहले मैं आपको ब्लेंड करके दिखाता हूँ इस नॉर्मल पेपर स्टम्प से। सो कुछ इस तरह की ब्लेंडिंग हो पाई है इस नॉर्मल पेपर स्टम्प से और अब मैं ब्लेंड करूँगा इस वाले पेपर स्टम्प से। आप देख सकते हो मैंने इसे क्लीन कर लिया। सो
सॉफ्टवेयर आप देख सकते हो कि किससे ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग हो पाई है, या रिजल्ट्स आपके सामने है। मैं एक बार आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो कि किसमें पेपर का टेक्सचर किस तरीके से दिख रहा है। तो ये वाली ब्लेंडिंग है वो मैंने की थी अपने इस हैक वाले पेपर स्टम्प से, और ये ऊपर वाली ब्लेंडिंग मैंने की थी नॉर्मल पेपर स्टम्प से। वैसे यहाँ पर मैंने शेडिंग भी काफ़ी स्मूथ की है, इसलिए ऐसे इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप नॉर्मल शेडिंग करोगे तब आपको समझ आएगा कि ये वाले जो पेपर स्टम्प है ना यार, इससे जिस तरीके की आप ब्लेंडिंग कर पा रहे हो उससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आप इससे कर पाओगे। आप इसे फेस में यूज़ कर सकते हो, आप इसे लिप्स में यूज़ कर सकते हो, जहाँ आप चाहो यूज़ कर सकते हो। सो अभी रिसेंटली मैं एक हाइपर रियलिस्टिक लिप्स की ड्राइंग बना रहा हूँ, जिसमें मैंने टोटली इसी वाले पेपर स्टम्प को यूज़ किया है। इसकी वीडियो भी अपलोड होगी, तो उस वीडियो में आप देख सकते हो जाके कि मैंने इसी पेपर स्टम्प का यूज़ करके इतनी स्मूथ शेडिंग करी है। जबकि ये एक रफ पेपर है रोस्टो की स्केच बुक का, जिसका रिव्यू मैंने दिया है अपने आर्ट वाले चैनल पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको ये हैक अच्छा लगा तो डू लेट मी नो, मैं आगे भी ऐसी हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। और इसे यूज़ करके ज़रूर देखना, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको, मुझे किया है सो डेफिनेटली आपको भी करेगा। सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।